हेलो ये नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द बिग बुल 420 पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के बारे में। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा, मार्केट एनालिसिस काफ़ी शानदार होने वाला है। आज का मार्केट कैसा रहा, आज के मार्केट जैसा रहा है, इस मार्केट को देखते हुए आने वाले कल का मार्केट कैसा हो सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और ये वीडियो पूरा दिखेगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आज मार्केट ने एक दिया है शार्प सेलिंग, काफ़ी समय बाद अच्छा बड़ा सेल देखने को मिला। एक सेल हुआ था एग्जैक्टली कुछ समय पहले 27 जुलाई को और वापस आज हुआ है, लेकिन आज का मार्केट जाते जाते थोड़ा रिकवर भी मारा है। तो क्या ये मार्केट रिकवर मारना अपने लिए कोई बुलिश संकेत है या किस प्रकार का मार्केट ओवरऑल हो सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। वन ऑफ द बेस्ट मार्केट एनालिसिस होने वाली है। डे टाइम फ्रेम पर अपन बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी आज क्या किया एग्जैक्टली अगर नोटिस की जाए तो बैंक निफ्टी ऑन एन एवरेज जो एक कैंडल था अपना ये वाला 17 जुलाई का जो कैंडल था, 17 जुलाई का जो एक कैंडल था बैंक निफ्टी, इसी के लो को टच मारा है और फिर वापस मार्केट रिकवर किया। तो क्या इसकी क्लोजिंग किस प्रकार हुई है आने वाला, अच्छा यहाँ से क्या मार्केट अपना एक बेरिश मोमेंटम करने वाला है, क्या वाकई में बड़ा फॉल मार्केट में आने वाला है, ये सारे सवाल आप सभी के मन में हो रहे होंगे कि क्या मार्केट बेरिश ही हो चुका है। तो इन कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा करते हुए मैं आपको मेरा व्यू शेयर करता हूँ। भाई देखो, सबसे पहली बात तो आज का मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ रिट्रेसमेंट्स के बाद, जो कि मैं आपको क्लियर कट बोला था बैंक निफ्टी का। जस्ट वेट करिए, हाँ मैं आपको बैंक निफ्टी का क्लियर कट ये व्यू दिया था कि अगर बैंक निफ्टी जब भी इस लेवल के नीचे गया मार्केट में एक बड़ा सेल देखने को मिलेगा। मार्केट इस लेवल के नीचे भी उतरा और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आई थिंक रिट्रेसमेंट वगैरह भी दिया था प्रॉपर। ये रहा 45,250 का लेवल था जो कि मैं आपको लास्ट मार्केट एनालिसिस में क्लियर कट बोला सेलिंग आएगा इस लेवल के नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट के साथ चलेंगे। ब्रेकडाउन, ये एक रिट्रेसमेंट हुआ एग्जैक्टली 10:40 की कैंडल पे, उसके बाद मार्केट डाउन आया। जो लाइव में थे उन सभी को पता है फिर निफ्टी 50 में आज प्रीमियम के अंदर ऑन एन एवरेज 150 पॉइंट अपनों ने कैप्चर किए, लगभग 2 ट्रेड्स अपनों ने क्रिएट किए थे। एक यहीं से लिया था जो यहाँ तक, उसके बाद एक और ट्रेड यहाँ से लिया था जो यहाँ तक निफ्टी 50 के अंदर, वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो व्यू शेयर किए थे ओवरऑल लर्निंग पर्पज से, जो अगर आप होते तो आप भी सीखते, तो आप भी हमारे जरूर लाइव में जुड़िएगा डेली। हाँ अब बात कर लेते हैं हमारे लिए आगे आने वाला मार्केट किस प्रकार का हो सकता है। आज का डे लो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए हो जाता है दोस्तों यहाँ पे। अब मान लो कल का मार्केट अगर एक गैप डाउन ओपन होता है और अपनों को जो है 44,720 का लेवल ब्रेकडाउन करने को मिलता है, कौन सा 44,720 का लेवल ब्रेकडाउन होता मिलता है, मार्केट में सेलिंग बनेगा। और एक चीज़ ये भी आप ऑन एन एवरेज ये चीज़ देख सकते हो कि अगर अग्रेसिव जाना है तो ये लेवल अपने लिए सफिशियंट है जहाँ से मार्केट में अपन डाउन साइड के लिए सेलिंग देख पाएंगे। लेवल है आपके लिए 44,875 का लेवल है, लगभग 900 का लेवल आप मान सकते हो, बट ठीक है 875 का लेके चलो, 44,875। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट में ट्रेड किस प्रकार होगा, गेप अप होता है मार्केट को एक दिन के लिए अवॉइड कर दीजिएगा, या फिर टेक्निकली ही मार्केट में लाइक अगर 45,255 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर बाइंग वगैरह कुछ प्लान करेंगे, बाकी उसके पहले अपन मार्केट को अवॉइड करेंगे बाइंग के लिए। गैप अप अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, लास्ट स्विंग जो है 44,875 का निकाल रहा है, मार्केट में सेलिंग बन सकता है। एक बहुत बड़ा गैप डाउन होता है 44,770-80 के आसपास, 44,780-790 के अराउंड अराउंड जो है गैप डाउन ओपन होता है और आज का डे लो ब्रेक डाउन करता है अपन मार्केट में एक सेलिंग देख पाएंगे, जो सेलिंग लगभग एक काफ़ी अच्छा बड़ा सेलिंग हमारे लिए बन पाएगा। अगर आज का डे लो ब्रेक डाउन कर रहा है मार्केट तो कहीं ना कहीं अपन मार्केट में जो है 44,540 तक के टारगेट इजीली देख पाएंगे, 44,540 तक के टारगेट अपने लिए बैंक निफ्टी बना सकता है डाउन साइड तक के लिए, एक बड़ा फॉल हो सकता है। सोरोल ये मेरा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी व्यू होने वाला है। हाँ भाई देखो, स्वाभाविक बात है आज मार्केट ट्रेंडी रहा, अगर गैप अप हुआ तो थोड़ा सा अवेयर हो जाना कि एक साइडवेज मार्केट में देखने को मिल सकता है, बिकॉज अगर नोटिस करेंगे पिछले 2 दिन से मार्केट स्लो न स्टडी सही, लेकिन आज का मार्केट अच्छा था, कल लास्ट डे का मार्केट स्लो था, आज का मार्केट ट्रेंडी था, दोनों को मिला के कनेक्ट करेंगे तो मार्केट एक अच्छा ट्रेंडी मार्केट अपन इसे बोल सकते हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल हुआ है। अब मान लो अगर गैप अप हो गया यहीं कहीं तो फिर वो साइडवेज भी हो सकता है, तो इसीलिए भी अगर गैप अप मार्केट होता है तो या तो एक दिन का मार्केट अवॉइड करेंगे या फिर टेक्निकली उस पर्टिकुलर डे के अकॉर्डिंग जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके रिस्पेक्ट के साथ अपन कुछ कवर कुछ काम करेंगे, ठीक है। ये मेरा बैंक निफ्टी का व्यू है। इसके बाद अपन निफ्टी 50 के ऊपर बात करेंगे। निफ्टी 50 में भाई आप सभी को याद होगा पैरेलल चैनल में लगा रहे, ये पूरा कल लास्ट डे का मार्केट एनालिसिस था, है ना।
पैरेलल चैनल में निफ्टी 50 था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है तीसरी बार एक ही लेवल से रजिस्टर लेके एक स्टार वगैरह बनाया, अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलती, बट मार्केट क्या किया, गैप डाउन ओपन हुआ, एक पैरेलल चैनल चल रहा था, इसका मिडल पॉइंट था, मिडल पॉइंट ब्रेक होता है, अपन यहीं पे मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ अपनों ने कहाँ मार्केट में एंट्रीज करी आज के मार्केट में, वो एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सारे लेवल्स एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो लाइव में थे उन सभी को पता है कि अपनों ने कहाँ पे एंट्री की थी भाई लोग, ठीक है। अपना पहला ही एंट्री निफ्टी 50 का यहाँ हुआ था भाई लोग, आप सभी को याद होगा, जहाँ एक 70 रुपी अराउंड का जो प्रीमियम था अपनों ने एग्जीक्यूशन में लिया था पी साइड का, जो कि 150 लगभग यहाँ हाई टच मारा था, ये एक 150 प्रीमियम टच मारा था, उसके बाद मार्केट साइडवेज गया, वो प्रीमियम डाउन अप डाउन हुआ, देन वापस मार्केट यहाँ रिट्रेसमेंट पे अपनों ने व्यू क्रिएट किया, जिस पे अपनों को 150 पर ही एग्जीक्यूशन दिया था वापस प्रीमियम के अंदर 150 के ऊपर, जो अपनों ने लगभग लास्ट में 220-22 हाई मारा था। तो इस प्रकार अपनों ने निफ्टी 50 व्यू एग्जीक्यूट किया था, यकीन नहीं होता लाइव जाके जरूर दिखेगा, बड़ा मजा आएगा आपको उस व्यू के ऊपर। तो अब यहाँ पे डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना क्या व्यू हो सकता है, इस चीज़ पे चर्चा कर लेते हैं। गाइस देखो सीधी सी बात बताता हूँ, यहाँ पर पैरेलल चैनल अभी भी है, उसी पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे गया, उसी पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर आया, लेकिन क्या आप सिर्फ यही इसी पैरेलल चैनल पर अपन वर्क करेंगे, द आंसर इज नो, इसको अब अवॉइड करेंगे। अब अपन आज का डे लो मार्क करेंगे, जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लेवल होने वाला है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और आज का क्लोजिंग प्राइस जो कि है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चलते हैं, आज का क्लोजिंग प्राइस भाई साहब, ठीक है, कुछ इस प्रकार का मार्केट है। अब मान लो कल का मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो अपन क्या करेंगे गाइज, अगर कल का मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल के ऊपर ऑन एन एवरेज निकलने का एफर्ट ले लेता है, लगभग आपका 19,650 का जो एक लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर निकल जाता है तो बाएंगे, और वो भी लो क्वांटिटीज में काम करना, जब तक मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है कोई मतलब नहीं है ज़्यादा फंसने का, ठीक है ना। याद रखना, अगर गलती से भी गैप अप ओपन हो जाता है और इस लेवल के ऊपर ना आए 19,650 के ऊपर, तो फिर स्लो एंड स्टडी थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है, बाकी अवॉइड करने वाला मार्केट रहेगा। मैं अगर गैप अप होता है तो मोस्टली अवॉइड करने का ट्राई करूँगा, एक्सपायरी कुछ अगर अच्छा टेक्निकली पर्टिकुलर समय पर कोई स्ट्रक्चर बनता है तो उस पर जरूर मैं वर्क करूँगा, बट हाँ लॉजिकली हाल फिलहाल तो यही व्यू रहेगा। अब यहाँ बात करते हैं कि मार्केट क्या कर सकता है भैया, यहाँ पर अगर नॉर्मली देखा जाए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 19,420 का जो लेवल है, 19,420 का जो लेवल है आज का डे लो, इसे निकाल जाए तो 19,300 तक के लिए 100 पॉइंट्स अराउंड का, 120 पॉइंट अराउंड का एक सूखा टारगेट मेरे को कहीं ना कहीं मार्केट का दिखता है, जहां मैं 19,300 तक के लिए निफ्टी 50 को एक्सपेक्ट करूंगा, और जब तक इस लेवल के ऊपर है मार्केट को अवॉइड करेंगे। गैप अप हो जाता है थोड़ा सा, ऑब्वियस बात है एक दिन फिर होल्ड करना बनता है, ज़्यादा अग्रेसिवली जाने का मतलब नहीं है। इसके बाद अपन बात कर लेंगे फिन निफ्टी के बारे में, फिन निफ्टी की क्या हालचाल है, क्योंकि फिन निफ्टी भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है। डे टाइम फ्रेम पर चलेंगे, सारे लेवल्स एक बार क्लियर कर देंगे और कुछ इस प्रकार से मार्केट देखेंगे, ठीक है भाई। फिन निफ्टी का डे लो आप जरूर मार्क करिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल बन चुका है फिन निफ्टी का डे लो। रिजेक्शन एरिया पे रिजेक्शन भी अच्छा लिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट देखते हैं किस प्रकार का है रहा है। ब्रदर देखो गैप अप होने पे एक दिन का मार्केट अवॉइड फिन निफ्टी का बनेगा, बिकॉज हाँ रिकवरी किया बट ठीक है, नॉट बैड नॉट गुड, अपन वेट कर रहे हैं। अगर मार्केट कल आपका फ्लैट ओपन हो, कल आज का डे लो ब्रेक करे जो कि बन रहा है 19,960 का, 19,960 का गैप डाउन ओपन होता है, 19,960 ब्रेक डाउन करता है, मार्केट में अपन सेलिंग देखेंगे। अब वहीं बात कर लेते हैं आपका मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, क्या करता है आपका निफ्टी फिन गैप अप ओपन हो जाता है, तो आज का ये स्विंग एक आप सभी को याद होगा एग्जैक्टली 2 अगस्त का 20,140 का लेवल, इसके ऊपर मार्केट निकल रहा है, थोड़ा सा अवॉइड और स्लो ऑन स्टडी पॉजिटिविटी शो कर सकता है, तो अपनों को पॉजिटिविटी से थोड़ा सा दूर रहना है, मतलब ऊपर जाए तो उससे थोड़ा सा दूर रहना है, और अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको स्टॉप लॉस मिलता है तो स्लो लो क्वांटिटी के साथ, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल वीडियो रहा होगा आपके लिए, आपको आने वाले कल में ये वीडियो हेल्प देगा। लेकिन हाँ, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर लाइक आपके कोई भी किसी प्रकार का ट्रेड शेयर करने के लिए ये वीडियो नहीं है, दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, मार्केट में
मार्केट बंद होने के बाद आप किस प्रकार मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, ये वीडियो सिर्फ उसी चीज़ के लिए बनाया गया है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, एक लाइक, एक छोटा सा कमेंट, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 9 से दिन में 3 बजे तक हमारा लाइव स्ट्रीम भी चलता है, लाइव स्ट्रीम पर भी जुड़िए, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग आपको मिलेगी। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रहिए, मस्त रहिए, जुड़े रहिए बिग बुल फोटो के साथ।